हेलो, मैं कृष्णा। आज मैंने फिर से सेम पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ। पहले स्टोरी एक सुनाता हुआ आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ उसको कंप्लीट करूँगा। एक बार एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान था। परेशानी का आलम ऐसा था कि उसने डिसाइड किया कि वो आत्महत्या कर ले। मगर जनरली वो जो भी अपने डिसीजंस लेता था या जो भी उसके मन में चीज़ें आती थीं उसके पहले वो किसी से डिस्कस किया करता था। वो डिस्कशन करने वाला व्यक्ति था। उसके घर के पास एक मंदिर जिसमें एक पुजारी रहता था। वो कुछ भी होता था उससे आके वो बताता था, उसे सलाह लेता था, मानना ना मानना उसके ऊपर होता था। तो ये वाली बात भी उसने सोची कि क्यों ना मैं इस पंडित के पास जाऊँ, इस पुजारी के पास जाऊँ और जाकर इसको बताऊँ कि मुझे साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही है और मैंने क्या डिसीज़न लिया है। ये गया उसके पास, पंडित जी के पास गया। उसने बोला कि पंडित जी, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ अपनी इस ज़िंदगी से और मैं आत्महत्या कर लेना चाहता हूँ। उन्होंने पूछा, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो, मैं तुमको कोई इसी काम से रोकूंगा नहीं, जो तुमने सोचा है तुम करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर मैं एक बार जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ हो क्या रहा है कि तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया अपने लाइफ का। उसने कहा कि मैं अपने घर से निकलता हूँ, गली में लोग बैठे रहते हैं, वो मुझे ताने कसते हैं, लोग मेरे लिए कमेंट करते हैं, बुरी बुरी बातें बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, ऑफिस जाता हूँ वहाँ मेरे बॉस मुझे डांटते हैं, मुझे मेरे कलीग्स मेरा सपोर्ट नहीं करते, जहाँ भी जाता हूँ मुझे बुराई झेलनी पड़ती है, लोग मेरे लिए निगेटिव बोलते हैं, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ, कैसे भी करना चाहता हूँ, कोई मेरे लिए अच्छा नहीं बोलता, सब बुरा बोलते हैं, निगेटिव बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं, मैं ये इसको बर्दाश्त करते करते बहुत बुरी तरह से थक गया हूँ, अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब मैंने यही डिसाइड किया है कि मैं अब आत्महत्या करके इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा लूँगा। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, अगर तुमने ऐसा डिसाइड कर लिया है तो मुझे कोई ऐसे इशू नहीं है इसमें, मगर मेरा एक काम है जो मैंने आज तक तुमसे कुछ भी मांगा नहीं, मेरा एक काम है वो करके जाओ, अगर ये काम तुम कर लोगे तो मैं तुमको अलाउ कर दूंगा यदि तुम मेरी बात मानते हो तो, और यदि तुम नहीं कर पाए तो फिर हम दोबारा किसी और काम को मैं करवाऊंगा या तुमसे एक काम करवाऊंगा तभी तुम्हें इस चीज़ की छूट दूंगा। उसने कहा ठीक है पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा। उन्होंने एक ग्लास लेके आए, बड़ा सा ग्लास, उसमें उन्होंने कहा कि जाओ बाहर जो नल है उससे भर के, पूरा ऊपर तक भर के पानी इसमें भर के ले आओ। उसने जैसा पंडित जी ने कहा, बिना उसने कोई डाउट किए, बिना कोई क्वेश्चन किए, उसमें पानी भर के ले आया। उन्होंने कहा अब इस पानी को बिल्कुल, इसको जो लेवल है इसका ऊपर तक पूरा, ये तुम मेरी ड्यूटी मान के इस काम को करो कि हाँ ये पंडित जी ने मुझे ड्यूटी दी है क्योंकि तुम मुझे मानते हो, या भगवान की सेवा मान के इस काम को करो और मान के करो कि ये चीज़ मैं अपने घर के सामने से इस ग्लास के पानी को लेके गुजरूंगा और पूरी गली घूम करके, लगभग 15-20 मिनट का टाइम तुम्हें लगेगा इस पूरे काम को करने में, और पूरे कंसंट्रेशन के साथ इसका ध्यान रखना है कि इस ग्लास में जो पानी है वो एक बूंद भी बाहर ना निकले। ये तुम्हारी एक सेवा है और तुम्हारा, अगर तुमने अगर डिसाइड कितना बड़ा कर लिया है तो ये अंतिम ड्यूटी है तुम्हारे लाइफ की, इसको ईमानदारी से करना। वो लेकर के ग्लास पंडित जी की आज्ञा मानता हुआ चला गया और वो पूरा ध्यान से कभी हाथ को ऐसे करके पकड़े, कभी ऐसे करके पकड़े कि एक बूंद भी पानी गिर ना जाए, और वैसा वो करता गया और वो तकरीबन सारी जगहों को घूमता हुआ वापस मंदिर पहुँच गया। लगभग 15-20 मिनट के बाद पंडित जी को दिखाया कि देखिए पंडित जी, आपने जो मुझे ऑर्डर दिया था, जो आपने मुझसे एक सेवा मांगी थी, मैंने उसको पूरी तरह से पूरा किया और एक बूंद भी पानी कहीं मैंने गिरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है तुमने नहीं गिरने दिया होगा, मेरा तुम पर ट्रस्ट है कि तुमने ऐसा ही हुआ होने दिया होगा। उन्होंने कहा कि अब इस ग्लास को खाली करके तुम रख दो और मेरे पास आओ, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, क्या तुम उन जगहों से गुजरे इस बीच में जहाँ से लोग तुमको ताने कसते थे, या उन जगहों से गुजरे घर के बाहर जहाँ पर लोग बैठ के तुम्हारे लिए बुराइयाँ करते थे, कानाफूसी किया करते थे? बोला हाँ पंडित जी, मैं उन सारी जगहों से गुजरा। तो क्या तुम्हें, उन्होंने पूछा, क्या तुमने, वो लोग आज भी ताने कस रहे थे, आज भी बुराई कर रहे थे, क्या वो लोग आज भी तुम्हारे लिए मजाक उड़ा रहे थे, या तुम तो आज पानी लेके गुजर रहे थे तो और ज़्यादा उनके पास पॉइंट होगा और मजाक उड़ा रहे होंगे? उसने कहा नहीं पंडित जी, मैंने इस तरह का कुछ भी नहीं देखा, ना मैंने इस तरह की कोई आवाज़ सुनी। उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही होगी? उसने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता,
क्योंकि उनकी रोज की आदत है, रोज ऐसा करते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, यही मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, यही मैं तुमको बताना चाहता था कि बाहरी दुनिया का काम ही है आपकी कमी ढूंढना, बाहरी दुनिया का काम ही है आप में प्रॉब्लम ढूंढना, आपका मजाक उड़ाना, आप अच्छा करोगे तो आपका बुरा करना, आपको उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सारा हमारा ब्रेन का है, हमारा थॉट प्रोसेस है। मैं घर से तुम निकलते हो तो मान के चलते हो कि बाहर ऐसे लोग मिलेंगे और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होगा, ऑफिस जाओगे तो ऐसा होगा, कलीग्स ऐसा करेंगे, सिचुएशंस ऐसी बनेंगी। ये पूरा तुम्हारा ब्रेन का खेल है। तुमने अपना कंसंट्रेशन लूज किया, तुमने उन कमेंट्स को एक्सेप्ट किया, इसलिए वो कमेंट्स आते हैं। आज वो कमेंट्स इसलिए नहीं आए क्योंकि तुमने उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया, तुमने उन कमेंट्स को आने ही नहीं दिया अपने पास, क्योंकि तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई था उस टाइम पर, इसलिए तुमने उन कमेंट्स को पूरी तरह से नेग्लेक्ट करते हुए इतना नेग्लेक्ट किया कि वो तुम्हारे कान तक भी नहीं पहुँचे। उन्होंने बोला लाइफ ऐसी ही है, लाइफ इसी तरह से चलती है, कभी भी ज़िंदगी को इतना कमज़ोर मत बनाइए, खुद को, खुद के थॉट प्रोसेस को इस तरह का मत बनाइए कि खुद अपने लिए निगेटिव सोचना शुरू कर दें। ऐसा तो करना ही नहीं है, कभी भी अपने थॉट प्रोसेस को निगेटिव मत होने दीजिए। बाहरी दुनिया है ना आपको निगेटिव करने के लिए, आप खुद के लिए निगेटिव क्यों सोचते हैं, खुद के लिए बुरा क्यों सोचते हैं? कोई भी काम आप करना शुरू करते हैं, कोई भी काम, आपके मन में ये पहला फीलिंग जो आती है निगेटिविटी की आती है, अगर ये नहीं हुआ तो, मैं नहीं कर पाया तो। ऐसा मत सोचिए, ऐसा नहीं होता है। बाहरी लोगों को छोड़ दीजिए, बहुत छोटी ज़िंदगी मिली है, क्रिकेट की भाषा में कहूँ तो 70 से 80 ईयर्स की इनिंग मिली है बस, उसमें आपको बहुत कुछ करना है, बहुत सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारियां हैं जिसको आपको पूरा करना है, उन जिम्मेदारियों को निभाना है। आज एक रियल फैक्ट है इंडिया के बारे में कि रोज भारत में लगभग 1.5 लाख लोग मर जाते हैं, 1.5 लाख। आपको कोई फर्क पड़ता है क्या? क्या आपको पता भी चलता है कि कौन मरा कौन नहीं मरा? मैं सच बताता हूं, नहीं पता चलता होगा, नहीं फर्क पड़ता होगा। मगर कोई सेलिब्रिटी मर जाए, कोई पॉलिटिशियन मर जाए, कोई बड़ा बिजनेसमैन मर जाए, फर्क पड़ता है ना, क्योंकि उसने सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, बड़ा कंट्रीब्यूट किया है तो हमें बड़ा फर्क पड़ता है, छोटा कंट्रीब्यूट किया तो छोटा पर फर्क पड़ता है। मैं पड़ता है, इन्फॉर्मेशंस आती हैं, लोग उसको कवर करते हैं। मगर कोई साधारण आदमी मर जाए, रोज मरते हैं 1.5 लाख लोग, किसी को कोई ना फर्क पड़ता है ना किसी को कुछ पता चलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में लोग ऐसे आ गए हैं जो आपके लिए ताने कसते हैं, जो आपको कमेंट कर रहे हैं, पीछे में आपके लिए बुराइयां कर रहे हैं, तो मान लीजिए आप कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आपने बड़ा करना शुरू कर दिया है, तभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके लिए लोग निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव बोलना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब आप बड़ा कर रहे हैं, और ऐसा कर रहे हैं जो वो लोग नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते, इसीलिए वो आपके लिए निगेटिव बोल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। कभी भी बाहरी दुनिया के बोले हुए से प्रभावित तो बहुत दूर की बात, असर भी मत होने दीजिए, इस तरह से साफ कीजिए और आगे बढ़िए। तो उस व्यक्ति ने पंडित जी की सलाह मानी और उसने आत्महत्या करने का डिसीजन छोड़ दिया। हमें भी इसी तरह का कोई एक मेंटर चाहिए, हमें भी इसी तरह का एक गुरु चाहिए, हमें भी इसी तरह का कोई भी एक ऐसा सलाहकार चाहिए जो हम जब मुसीबत में फंसे, जब हम इतने भयंकर डिलेमा में फंसे, तो हमें वो सलाह देने के लिए हो, हमें वो बताए कि तुम्हें ये करना ज़्यादा सही होगा, ये करना गलत होगा। वो हमें एग्जाम्पल्स से हमें क्लियर करे। ढूंढिए ऐसे मेंटर्स को, ढूंढिए अपने अगल बगल ऐसे लोगों को, ढूंढिए जो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दें, आपको साथ दें, आपकी हेल्प करें। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे सेशन को देखने के लिए मेरे चैनल पर आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। मैं हर वीक न्यू वीडियोस डालता हूँ। हैव अ ग्रेट डे।